जीपीडी गल पंजाब की टीवी देख रहे दर्शकों को प्रवीण कोमल की तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। करतारपुर कॉरिडोर खुले को एक महीने से ऊपर का समय हो चुका है और रोजाना ही अलग अलग जगह से श्रद्धालु डेरा बाबा नानक पहुंचकर करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके बाबा नानक की कर्मभूमि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 9 नवंबर से लेकर अभी तक केवल 18,199 श्रद्धालु ही पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाए, जबकि इस समय अगर पूरे समय से अगर हम अंदाजा लगाएं तो यह गिनती लाखों में हो जानी चाहिए थी। चलिए देखते हैं इस सिलसिले में एक रिपोर्ट हमारे गुरदासपुर संवाददाता जितेंद्र कुंडल की तरफ से। करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते जाने वाले श्रद्धालुओं की गिनती इतनी कम क्यों रह रही है, इसके लिए जायजा लिया हमारी टीम ने और पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहिब के दर्शन कर वापस पहुंचे श्रद्धालुओं से इस बाबत बात की तो ऑस्ट्रेलिया से अपने परिवार के साथ पहुंची NRI गुरप्रीत कौर ने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान में जाकर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन कर बहुत खुशी हुई। वहीं उनका कहना था कि भारतीयों के मुकाबले ऑस्ट्रेलियन सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि वह कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाकर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करें। वहीं उनका कहना था कि पाकिस्तान के लोगों ने हमारी स्वागत खुले दिल से करते हुए बहुत प्यार दिया। हाँ जी, बहुत वधिया लग्या सी। ऑस्ट्रेलिया तो आए सीगे, फिर सोचा कि चलो हुण इधर करतारपुर साहिब जी दा रस्ता खुल्या होया ते क्यों ना असीं दर्शन करके चलीए। बहुत वधिया लग्या दर्शन करके। कितना ना लगदे वेलकम करदे पाकिस्तान वाले ते अपने इंडिया वाले? बहुत वधिया लग्या। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश सीगे, मेरे बेटे दे नाल सारिआं ने स्नैप्स करवाइयां। वो तो बहुत ज़्यादा वेलकम किया उन्होंने साडा, बहुत ज़्यादा मतलब मैनू तो सारिआं दा उत्थे नेचर बहुत सोहणा लग्या। ऑस्ट्रेलियन सिखां दे विच किन्ना क्रेज़ आ ते किन्ना उत्साह है? बहुत ज़्यादा, मैं तो कहनी हाँ कि इंडिया नालों ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस दे विच हैगा क्रेज़, सिखां दे विच बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ उन्होंने। असीं एक होर कंट्री को मिली। गुरदासपुर से और बरनाला से आए श्रद्धालुओं का कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार आदर सत्कार देते हैं। श्रद्धालुओं की गिनती में कमी के कारणों के बारे में बताते हुए उनका कहना था कि सबसे पहले तो पासपोर्ट की शर्त को हटाया जाए और उसकी जगह कोई नेशनल ID जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को लागू करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अधिकारी कहते हैं कि पासपोर्ट हमारी सरकार ने नहीं कहा बल्कि भारतीय सरकार की शर्त है। असी तो कोई बयान ही कर सकते, साढ़े को शब्द ही है नहीं है जे असी बयान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े गुरु नानक साहब जी का, कोई कर ही नहीं सकते। बाकी इमरान खान का तो असी दे नहीं दे सकते, उन्हें दोबारा सिद्धू साहब का नहीं दे सकते, क्यों सानू जिन्हें लोग सानू पाकिस्तान के चाहते ने सू इंडिया उन्हें चाहते नहीं होने सू इन्ना जिन्ना भी कह दो उन्ना ही चा चढ़िया। सानू इन्नी चीज़ देखने मिली, इन्नी सफाई देखने मिली, इन्ना खर्च किया भी जो $20 फीस सू कोई वध नहीं लगी हैगी। बाकी इन्ना असं उन्होंने पूछा भी साडा जिहड़ा ये पासपोर्ट है क्यों तुसीं, वो कहिंदे असीं कोई पासपोर्ट नहीं मंगदे, ये तुहाडी सरकार ही मंगदी है। भी असीं अपनी सरकार मूहरे मोदी साहब मूहरे बेनती करते हैं भी जिहड़ी पासपोर्ट की ये है ये खत्म कर देनी चाहिए है। पाकिस्तान वाले बने किदा तुहानूं करदे, इधर इंडिया वाले बने किदा करदे आ? बहुत अपने तो वध चाहुंदे आ, जिन्ना भी कहिंदे उन्ना ही चाहुंदे आ। ते अपने पग ते इक तो वो इन्ना ना भज भज के आपां अंग्रेज़ां नूं मिलदे आ ते सानूं ऐ मिले वो भज भज के, जिन्ना भी कहिंदे उन्ना ही हो सके उन्ना ही, जिन्ना भी कोई कह ही नहीं सकते भी सानूं इन्ना प्यार कीता उन्होंने। श्रद्धालुओं का ये भी कहना था कि अगर $20 की फीस को पाकिस्तान कुछ कम कर दे तो गरीब तबके के लोग भी दर्शनों के लिए आ पाएंगे। उनका कहना था कि अगर उन सब शर्तों पर दोनों सरकारें गौर फरमाए तो श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ सकती है। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।